चिनाब घाटी। बेइंतहा हरियाली और खड़ी ढलान एडवेंचर की तलाश दुनिया भर के लोगों को यहां लाती है, लेकिन शायद इस घाटी में आज तक का सबसे बड़ा एडवेंचर है चिनाब रेलवे ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज। आईफिल टावर से शानदार 35 मीटर ज्यादा ऊंचा होगा। इसमें 20 करोड़ डॉलर्स का खर्च आएगा। एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर टीम ने जिस स्तर पर रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया है, उसका सपना भी इस इलाके ने नहीं देखा था। इन नई सड़कों से ऐसी मशीन्स आई जो खुद भी ब्रिज की जितनी ही ऊंची थी, और आया भारी भरकम 30,000 टन स्टील। जोड़े जाने वाली स्टील की लंबाई लगभग 600 किलोमीटर दूर नई दिल्ली तक पहुंच सकती है। स्टील का दो तिहाई हिस्सा 127 मीटर ऊंचे खंभों को बनाने में लगा, जो कुतुब मीनार से 54 मीटर ज्यादा ऊंचे हैं। जल्द ही बनने वाले शानदार आर्चेस बाकी के स्टील से बनाया जाएगा। यह डिजाइन किसी भी मामूली से वेल्डर से बनाया नहीं जा सकता है। 70% मजदूर इसी इलाके से थे। हमने यहाँ ट्रेनिंग सेंटर खोला था, एफकॉन ने ट्रेनिंग सेंटर खोला था, मजदूरों को ट्रेन करके फिर उन्हें ब्रिज पर भेजा गया था। मुश्किल हालत में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से -20 के बीच रहता है, इसलिए चिनाब के रहने वाले लोग काम करने के लिए बेहतरीन हैं। और उसके अलावा ब्रिज के ऊपर तक चढ़ना बहुत हिम्मत वाला काम है। दुनिया की सबसे लंबी केबल क्रेन्स में से एक आर्च को हिस्सों में पहुंचाने में मदद करती है और साथ साथ कर्व को बनाती है। इंडियन इंजीनियरिंग के इतिहास में यह पहली बार हुआ है। 5 अप्रैल 2021, ब्रिज की चोटी पर हवा की स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह किसी तेज तूफान के बराबर है। सभी चुनौतियों का सामना कर क्रू बड़ी कामयाबी हासिल करता है। ब्रिज का आखिरी हिस्सा भी अब पूरा हो चुका था। कश्मीर का आसमान हमेशा के लिए बदल गया। डेक अब बनकर तैयार हो रहा है। एक मिलीमीटर की गड़बड़ी भी ट्रेन को पटरी से उतार सकती है। डेक का 220 मीटर कर्व पर है। इसे पूरा करने के लिए इंडियन इंजीनियरिंग इतिहास में एक और नई पहल हुई है। यहां के स्टील की वेल्डिंग घाटी के मुश्किल हालातों को कम से कम 120 साल तक झेल सकते हैं। ₹3,200 लोगों वाली मजबूत टीम पूरे साल 2400 घंटों काम करती है, ताकि इस बेमिसाल ब्रिज को कम से कम वक्त में पूरा कर लें।